पर आपका आज की वीडियो में स्वागत और है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसके सजेशन हमें दिए है हमारे साइलेंट सब्सक्राइबर ने और वीडियो का टाइटल है वर्ल्ड पनिशिंग साउथ अफ्रीका एंड अदर अफ्रीकन नेशंस ओवर ओमिक्रॉन। वेल देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो का चैनल का रीजन लिंक जो है आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, फॉलो करें चैनल को। उसके अलावा हमारे ब्लॉगिंग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स, मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली ये देखा गया है कि दुनिया के कई जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे कि यूएसए, यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे देश हैं, इवन कुछ हद तक मैं कहूंगा यहां पर जो आसियान देश हैं, फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया, ये सब अब दंडित कर रहे हैं, पनिश कर रहे हैं साउथ अफ्रीका समेत 7 और अफ्रीकी देशों को। और इसका रीज़न क्या है? रीज़न है ओमिक्रॉन। आपको पता होगा कि SARS-CoV-2 अब तक बहुत बार म्यूटेट कर चुका है, काफ़ी बार इसमें बदलाव आते हैं, और बदलाव का हमको सबसे बड़ा डर ये लगता है कि कभी ये म्यूटेट करके एक ऐसा रूप ना धारण कर ले जो बहुत तेजी से फैल जाए और लोगों को ज़्यादा डैमेज करे। और WHO को जब भी लगता है कि अब SARS-CoV-2 ने अब म्यूटेशन करके अपने आप में कुछ बदलाव लेकर एक ऐसा रूप ले लिया है जो कंसर्न का कारण बन सकता है, ये वेरिएंट फैल सकता है, इससे बच के रहना होगा, तो WHO उस पर्टिकुलर म्यूटेशन को डिक्लेयर कर देता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। अब तक आप अगर देखो दुनिया में ये मेन वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और अब मोस्ट रिसेंटली ओमिक्रॉन। नाउ ओमिक्रॉन को WHO ने डेजिग्नेट किया है एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न बहुत रिसेंटली, कुछ ही दिनों पहले। तो अभी तक हमको एक्चुअली इसके बारे में पूरी जानकारी है नहीं कि वैक्सीन पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या ये बहुत तेजी से फैलता है। अभी के लिए आप अगर देखो तो दुनिया भर में एक ही रिएक्शन दिख रहा है, वो है पैनिक का। लगातार बहुत सारे देश हैं, इन्होंने साउथ अफ्रीका समेत साउथ अफ्रीका के आसपास जो कई देश हैं वहां से भी ऑल टुगेदर जो इंटरनेशनल ट्रैवल है ये ब्लॉक ही कर दिया है। क्वारंटीन वगैरह छोड़ो, मास्क वगैरह की वो तो खैर दूर की बात है, ऑल टुगेदर ट्रैवल ही यहाँ से बैन कर दी है। और साउथ अफ्रीका ने यहाँ पर ये कहा है कि देखो ये हमको पनिश किया जा रहा है हमारी ऑनेस्टी के लिए, और ये एग्जाम्पल जो दुनिया सेट कर रहा है ना, इसकी वजह से पॉसिबिलिटी है कि इन द फ्यूचर कंट्रीज एक्चुअली ये कोविड म्यूटेशन छुपा भी सकती है। क्योंकि हुआ यहाँ पर क्या है कि ओमिक्रॉन, वैसे तो WHO की वेबसाइट पे देखो तो लिखा होता है कि मल्टीपल कंट्रीज में सबसे पहले ढूंढा गया था, मगर प्राइमरली WHO की जो टीम है उनको सबसे पहले इस म्यूटेशन के बारे में पता लगा इन साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका की सरकार ने इनकी हेल्प करी थी और WHO और साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट ने मिलकर ये म्यूटेशन को ढूंढा। अब साउथ अफ्रीका ने यहाँ पर यह कहा कि हमें ये करने के लिए शाबाशी मिलनी चाहिए, दुनिया को यहाँ पर यह कहना चाहिए कि हमने यहाँ पर एक नया वेरिएंट खोज लिया है, अब इससे बचना कैसे है इसको लेकर आपस में बातचीत करते हैं। मगर यहाँ पर देखा यह जा रहा है कि जैसे ही यह नया वेरिएंट खोजा गया दुनिया ने ऑल टुगेदर सारी फ्लाइट यहाँ पर बैन कर दी है। और अब देखो अजीब बात सबसे ज़्यादा ये है, मैं ये कहूँगा आप यहाँ पर आप देखोगे ये वर्ल्ड मैप है, ये हमारा प्यारा भारत, ये यहाँ पे साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका के नॉर्थ में आपको बहुत सारे देश मिलेंगे, ये बोस्वाना, जिम्बाब्वे, नामीबिया है, उसके अलावा मोजम्बिक है, मलावी है, तो ये सारे जो देश है ना सदर्न अफ्रीका में, इन पर भी अब ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। अब ये सारे जो कंट्रीज हैं ये सरप्राइज है, ये देख रहे हैं कि हमने क्या किया है। साउथ अफ्रीका में टोटल आज के समय आप अगर देखो टेस्टिंग से ये पता लगा है कि 110-112 के आसपास लोग हैं जिनमें ओमिक्रॉन नाम का जो ये म्यूटेशन है ये पाया गया है। बाकी कंट्रीज में तो म्यूटेशन के इतने केसेस अभी तक मिले भी नहीं है, मगर USA, ऑस्ट्रेलिया और वेरियस और जो कंट्रीज है इन्होंने इस पूरे रीजन से ही फ्लाइट ब्लॉक कर दी है। और अब साउथ अफ्रीकन कंट्रीज ये कह रही है कि ये रेसिज्म का साइन है। ये कुछ हद तक ऐसे ही है, आप सोच कर देखो ये कुछ हद तक ऐसा ही है कि जब इनिशियली चाइना ने कहा था कि वुहान जो है इनका शहर, वहां पर COVID-19 के जो केसेस हैं ये सामने आए हैं, अब इसके रिएक्शन में आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले चाइना पर ट्रैवल बैन लगाया था, हालांकि लेट था, मगर अगर ट्रंप वो बैन ना लगाते हो सकता है कि USA की हालत और ज़रा ख़राब होती। तो खैर ट्रंप ने यहाँ पर चाइना पे बैन लगा दिया, मगर जिस टाइप का रेसिज्म आज के समय साउथ अफ्रीकन कंट्रीज फेस कर रही है वैसा ही रेसिज्म अगर चाइना पे भी लगाया होता ना तो ये कुछ हद तक ऐसे होता कि साउथ कोरिया पर भी ट्रैवल बैन, चाइना पर भी, नॉर्थ कोरिया पर भी, जापान पर भी, मंगोलिया पर भी, फिलीपींस पर भी, पूरा रीजन ही ट्रैवल बैन कर दिया। और इसलिए साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट खुद यहाँ पर कह रहे हैं कि आप क्या एग्जांपल सेट कर रहे हो, अब कल को मान लो एक नया वेरिएंट मिलता है साइंटिस्ट को इन पेरू, आपको लगता है कि ये जो रिएक्शन दुनिया ने दिया है, सारी कंट्री से इंटरनेशनल ट्रैवल ब्लॉक कर दिया है, इनकी टूरिज्म इंडस्ट्री को बिल्कुल किली कर दिया फिर से कई महीनों के लिए, कल को किसी और कंट्री में किसी सरकारी साइंटिस्ट को मिल गया म्यूटेशन का वेरिएंट,
सरकार के ऊपर के जो मंत्री है वो कहेंगे कि चुप रहना है, इसके बारे में बताना नहीं है आपको, वेट करो ये म्यूटेशन फैल जाए, बाद में जब बहुत से देशों में ये वेरिएंट फैल चुका होगा तब रिस्ट्रिक्शंस इतने नहीं लगेंगे। तो लिटरली ये इन द फ्यूचर हो सकता है कि कंट्रीज की स्ट्रैटेजी हो साउथ अफ्रीका को देखकर। और जो ही आज के समय ये ट्रैवल बैन का इशू है इसको लेकर जो बाइडन की भी काफ़ी आलोचना हो रही है यूएसए में ही, क्या है कि जब इनिशियली COVID-19 फैल रहा था तब ट्रंप ने बहुत से ट्रैवल बैन लगाए थे चाइना पर, अफ्रीका के कई देशों पर। उस वक्त ट्रंप पे आरोप लगा कि ट्रंप बहुत ज़्यादा रेसिस्ट हैं और इनको ये सब नहीं करना चाहिए। उस वक्त की यहाँ पे आप देख पाओगे जो बाइडन की ट्वीट है, दिस ट्वीट इज फ्रॉम February 2, 2020। इस टाइम जो बाइडन प्रेसिडेंट थे नहीं, ये अपना कैंपेन चला रहे थे। इन्होंने कहा था कि ट्रंप फर्दर डिमिनिश्ड द यूएस इन द आईज ऑफ द वर्ल्ड बाय एक्सपेंडिंग ट्रैवल बैन। दिस न्यू अफ्रीकन बैन इज डिजाइंड टू मेक इट हार्डर फॉर ब्लैक एंड ब्राउन पीपल टू माइग्रेट टू यूएसए। इट्स अ डिसग्रेस, वी कैनॉट लेट हिम सक्सीड। और अब सेम टाइप का ट्रैवल बैन इन्होंने यहाँ पर खुद लगा दिया है। तो अगेन इस वजह से बाइडन की भी काफ़ी आलोचना हो रही है कि अगर ट्रंप को आप कह सकते थे कि वो रेसिस्ट हैं तो आप यहाँ पर खुद को क्या कहोगे। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आप पूछोगे कि मगर WHO क्या कह रहा है। WHO ने भी यही कहा होगा कि ट्रैवल बैन कर लो, तभी ये सब कंट्रीज कर रही है ट्रैवल बैन। और क्या इंडिया ने भी ट्रैवल बैन लगाया है? तो इसका आंसर है नहीं। हमने अभी के लिए ये कहा है कि जो भी यहाँ पर ट्रैवल हो रहा है उनके जो पैसेंजर्स हैं, जो भी ट्रैवलर्स हैं, उनकी एक्स्ट्रा चेकिंग करो, एंश्योर करो कि ये वेरिएंट भारत में फैल ना जाए। और WHO ने भी एक्चुअली यही बात बोली है। WHO ने यहाँ पर दोहराया है जो ब्लैंकेट बैन उन्होंने यहाँ पर लगा दिया है आधे कॉन्टिनेंट पर, ये ठीक नहीं है। इससे होना क्या है कि ये जो गरीब देश है ऑलरेडी इनकी टूरिज्म इंडस्ट्री बर्बाद हो चुकी है, कई बिलियन डॉलर्स का लॉस यहाँ पे और लग जाएगा, इनकी सरकारें इस पेंडेमिक को झेल नहीं पाएंगी। और यहाँ पे आप देख पाओगे इस पे आर्टिकल है, WHO ने आलोचना करी है ट्रैवल की ऑफ सदर्न अफ्रीकन कंट्रीज, के 8 के 8 देशों पर ट्रैवल लगाना ये कौन सी साइंस है। तो यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन कि क्या आप मानते हैं कि इतना बड़ा ट्रैवल लगाना आधे कॉन्टिनेंट पर, क्या ये ठीक है? या फिर आपका तर्क ये भी हो सकता है कि सर देखो ये जो पेंडेमिक है इसने इतनी बर्बादी फैलाई है, इतने मार्केट क्रैश हुए हैं, दुनिया इतनी ज़रा बर्बाद हो चुकी है कई रीजन्स में कि लोग अब पैनिक कर चुके हैं, लोग बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, तो इसलिए ऐसा कर रहे हैं चाहे एक बार को इस टाइप की वजह से कई कंट्रीज़ की इकोनॉमी बर्बाद भी क्यों ना हो जाए। तो मैं जानना चाहूँगा यहाँ पे आपका ओपिनियन क्या है, क्या आप मानते हैं कि जो ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जो बाकी डेवलप्ड वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं, इनका जो ये ट्रैवल बैन है 8 कंट्रीज़ पे, ये ठीक है? या फिर आप मानते हैं कि नहीं, दिस इज़ रॉन्ग, ऐसा नहीं करना चाहिए था? लिखिएगा कमेंट सेक्शन में इसके बारे में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि अन अकेडमी का भी एक बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है ऑन द UPSC कॉम्बो पैकेज। कमेंट सेक्शन में जाओ, पिन कमेंट में आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंडर आप UPSC प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल ऑफ कोर्स आपकी चॉइस का, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, जो भी आप चूज़ करना चाहें आप चूज़ कर सकते हैं। इन सब की तैयारी आप कर पाएंगे इन अ सिंगल परचेज। ये सारे कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे ऑन unacademy.com तो आराम से आपको 15,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होंगे, तो वहाँ पर आपका पैसा सेव होता है। उसके अलावा अभी एक स्पेशल ऑफर ये चल रहा है कि अगर आप एक मान लो कोर्स परचेज करते हो 24 महीने का, तो वहाँ पे आपको 3 महीने एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो जो टोटल कोर्स होगा ये आपका 27 मंथ्स का होगा। तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है, आपके पास अभी टाइम है, आप मान के चल रहे हैं कि 2023-24 तक एक प्रॉपर अटैम्प्ट देना UPSC का, तो आप परचेज कर सकते हैं 24 मंथ कोर्स। दिस विल हेल्प यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं कोर्स के लिए, पे करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। सिंपली यहाँ पे कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर। आप अपना पैसा सेव कर पाएंगे। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड एंड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। कोविड की बात की जाए तो जब से ये फैलना शुरू हुआ है हमने इसके जो काफी ज्यादा वेरिएंट देखे हैं और देखे कि कितना खतरनाक ये हो सकता है। लेकिन जो है ना, जहां तक इस वीडियो में बात की गई ना कि इस तरह एकदम 7 मुल्कों का ट्रेवल बैन कर देना, ये मेरा ख्याल है कि भाई ये जो है ना एक पूरे रीजन के साथ ज्यादती है। मैं ये बात करना चाहूंगी कि ये कुछ ऐसी एक ट्रिकी सिचुएशन है ना, जहां पर थोड़ा सा आपको डिसाइड करना ना मुश्किल हो जाता है कि क्या करना चाहिए। बट आई थिंक अगर कि साउथ की कंट्रीज ही बात करें, साउथ अफ्रीका के, तो मुझे भी अनफेयर इसलिए लग रहा है क्योंकि थोड़ा सा अगर हम पीछे जाते हैं जहां से चाइना के सिटी वुहान से ये सब स्टार्ट हुआ,
तो फिर अगर उन लोगों के साथ अभी ऐसे हो रहा है कि जैसे ही पता चला उन लोगों ने बता दिया है, तो इसका मतलब है फिर कि चाइना ने सही किया था कि उन्होंने छुपाया था, क्योंकि अगर वो भी बताते तो फिर सारे जो कंट्रीज है वो उनको बैन कर देते। मतलब एक स्थिति ये भी पैदा होती है, एक प्रश्न ये भी लोगों देखे ना में आएगा। ऑन दी अदर साइड ये चीज भी देखने में आई ना, जैसे चाइना में जो है ये जो है सिचुएशन पैदा हुई, तो चाइना पे जब बैन लगाया गया तो चाइना जो है लगभग 14 मुल्कों के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है ना, और जो समंदर से शेयर करता है वो शायद अलग है, ठीक है। तो आप ये देखेंगे उसके इर्द गिर्द किसी नेबरिंग कंट्री को बैन नहीं किया गया, जबकि अगर देखा जाए ना तो ये वेरियंट अभी साउथ अफ्रीका में फैल रहा है, लेकिन जो इसके अराउंड उसके जो शेयर कर रहे हैं। तो कह रही कि प्रश्न एक ये भी बनता है फिर कि चाइना ने फिर क्या सही किया कि उन्होंने टाइम पे नहीं बताया, और अगर स्थिति की बात की जाए तो उस टाइम पर कुछ और थी, यानी कि उस टाइम पर कोई भी वैक्सीन नहीं आई थी या उसका कोई सलूशन नहीं था। अभी के टाइम में वैक्सीन बहुत सारी लोगों को लग चुकी हुई है, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कि वैक्सीनेट हो चुके हैं, तो आई थिंक अभी के टाइम में ये चीज मेरा नहीं ख्याल के बनता था कि आप साउथ अफ्रीका के जो बाकी के उसके जो जिनके साथ वो बॉर्डर शेयर करता है डिफरेंट कंट्रीज हैं उनको जो है वो इस तरीके से बैन कर दिया जाता है, रादर देन मुझे लगता है कि बाकी जितने भी ऐसे कंट्रीज जो कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं और जिनको अमीर मुल्क माना जाता है, उन लोगों को कोशिश करनी चाहिए थी कि वो उस वेरिएंट का कुछ हल निकालते, सल्यूशन निकालते, और जो लोग उससे इन्फेक्ट हो चुके हुए हैं उसको मतलब कि उनको क्वारंटीन कर देते, या फिर जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं जिस तरीके से कि डायग्नोज करके या क्या वैक्सीन का इन पर असर हो रहा है या नहीं हो रहा, तो मुझे लगता है ये सारी चीजें होनी चाहिए। यार मुझे जहां तक लगता है ना कि इसका जो हल है वो इस तरह होना चाहिए कि क्या नाम लेते हैं, बजाय इसके कि आप उन्हें टोटली कह देंगे भाई आप अपनी जमीन से निकल नहीं सकते, आप इधर कैद हो गए हैं, या ठीक है आप उन्हें वीजे दें वो आए, लेकिन जो है आने से पहले आप कोई एक एयरपोर्ट के पास ही ऐसा कोई सेंटर या कोई ऐसी जगह जो है वो कर ले जो उनके लिए क्वारंटीन सेंटर हो, कि भाई आपको यहाँ पे इतने दिन रखेंगे, देखेंगे अगर आप में जो है कोई सिम्टम्स वगैरह जो है अगर नजर आते हैं तो ठीक है, अगर नहीं नजर आते तो आप ट्रेवल कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का होना चाहिए बजाय इसके कि आप जो है एक आधे कॉन्टिनेंट को जो है पूरी दुनिया से अलग कर रहे हैं। जैसे अगर माना जाए साउथ अफ्रीका की अगर माना जाए तो इकोनॉमी फिर भी कदरे बेहतर है बाकी मुल्कों से जो बीच में जिक्र किया गया है, तो चले साउथ अफ्रीका फिर भी जरा किसी ना किसी तरह जो है वो सरवाइव जो है इसमें कर जाएगा। लेकिन अगर हम दूसरे कंट्रीज की बात करें इसमें जो है जैसे जिम्बाब्वे का जिक्र किया गया और भी जो कंट्रीज हैं, तो उनके लिए काफी ज्यादा दिक्कत होगी। वेल मैं कहूंगी कि 2 साल जो पेंडेमिक में लोगों ने गुजारे हैं, मतलब दुनिया का मैं कहूंगी कि ऐसी सिचुएशन, कहते हैं ना हालात बदल गए जज्बात बदल गए, ये वो वाला सीन हो चुका है लोगों के साथ, क्योंकि जो ऐसे कंट्रीज थे जो सिर्फ टूरिज्म पर डिपेंड करते थे, जैसे अगर हम श्रीलंका की बात करें तो उनको कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा, नो डाउट आपकी खुद की पॉलिटिकल भी बहुत ज्यादा एक हम कहेंगे कि अनस्टेबिलिटी रहती है या प्रॉब्लम्स होती हैं, बट उसके साथ साथ जो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो सिर्फ इसी पर निर्भर करते हैं कि उनके मुल्क में टूरिस्ट आएंगे और उनका मुल्क जो है उनका एक सर्किट चलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम के लिहाज से ये वाकई में गलत है कि मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे किसी को भी ब्लॉक कर देना चाहिए, क्योंकि 2 सालों में सीरियसली कहीं आना जाना नहीं हुआ, लोग घरों में रहे, नो डाउट बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी सीखी हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज्यादा हम कहेंगे कि चीजों से हमें जूझना भी पड़ा है, यानी कि हम बाहर नहीं निकल पा रहे, समटाइम्स आप तंग भी हो पड़ते थे कि भाई हम लोग नहीं निकल पा रहे, नहीं निकल पा रहे, जो लोग हैं उन लोगों को भी ये फील होगा, और जो मैं कहूंगी कि जो उनके पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने बिल्कुल सही क्वेश्चन रेज किया है कि ये तो फिर हमें सजा दी जा रही है कि अगर हम सच बोल रहे हैं और हम लोगों ने एक अच्छा काम किया है और देखा जाए तो दुनिया की एक हेल्प की है, तो उसमें उनको क्या है कि नुकसान हो रहा है या उनका बायकॉट किया जा रहा है, तो ये मेरे ख्याल से अच्छा देखें पॉलिटिक्स से देखें कुछ इस तरह की कि उस मुल्क को तो बैन किया ही किया गया, उसके साथ जो नेबरिंग कंट्रीज है 5-6 उन्हें भी जो है वो बैन कर दिया गया है, यानी कि उसे तो वो सजा दी है, लेकिन साथ वाले कंट्रीज में कि भाई आप उसके नेबर हैं तो आपको भी सजा मिलेगी। तो यहाँ पे जो है जो WHO ने क्रिटिसाइज किया, जो सवाल उठाया वो बिल्कुल सही है कि कहना ये कौन सी रॉकेट साइंस है कि आपने इकट्ठे 7 मुल्कों को बैन कर दिया है। फिर उसके बाद मैं भाई पॉलिटिक्स की बात करूंगा ना, वो पॉलिटिक्स के लिए वो एक कहते हैं कि भाई गंदा है पर दंदा है, तो वो सही कहते हैं। अब जैसे जो बाइडेन जी की बात की जाए जी की, तो उन्होंने जैसे पहले जैसे ट्रंप जी को क्रिटिसाइज किया
कि वो जो है कि वो रेसिज्म को एक हवा दे रहे हैं, लेकिन जब वो खुद आए तो उन्होंने भी इक्तदार में आके वही चीज की। तो भाई पॉलिटिक्स जो है वो तो मैं कहता हूँ कि ऐसी चीज है कि कब कौन किस फायदे के लिए क्या स्टेटमेंट दे दे, कब अपने पुराने स्टेटमेंट से पलटी मार जाए। उन्हें तो खुद भी याद नहीं होता होगा कि भाई हमने कभी ये स्टेटमेंट दिया था। तो ये जो पॉलिटिक्स में चीजें चलती रहती है, एक चीज बड़ी अच्छी हो गई है आज के टाइम के लिहाज से। पहले क्या होता था कि ना लोगों की रीच बहुत कम थी न्यूज को लेकर, यू नो, और ऐसे स्टेटमेंट्स को लेकर। बट अभी क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर आपने कोई 10 साल पुरानी बात भी कही है ना, तो भाई 10 साल बाद आपने कुछ रिपीट करी, यानी कि बायकॉट पहले किया और बाद में फिर आप कह रहे नहीं ऐसा होना चाहिए, आपके मुंह पर मारेंगे भाई ये देखो तुमने क्या स्टेटमेंट दिया था। सही बात। लेकिन वाकई में पॉलिटिशियंस का कोई दीनेमान नहीं होता। मैं ये बात सोचती हूँ, मैं मतलब अभी जैसे हमारे कंट्री की पॉलिटिक्स होती है, ये मैं बाकी कंट्रीज की पॉलिटिक्स देखती हूँ और मैं सोचती हूँ कि कब कौन अपने फायदे के लिए चीजें और स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल कर लेता है ना, मतलब उनको शर्म भी नहीं आती। मैं भाई हमारे यहाँ पे जो पॉलिटिशियंस है ना उनके क्या नाम लेते हैं, मुझे एक चीज बहुत हंसी आती है, जब इक्तदार में होते हैं कुछ करते नहीं है, और जब इक्तदार से यानी कि पावर से उतर जाते हैं किसी और को गवर्नमेंट मिलती है, अगर हमें गवर्नमेंट मिलेगी तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। बंदा के भाई पिछले 5 साल 10 साल तुम्हें गवर्नमेंट मिली है, तुमने क्या घंटा काम किया जो अब तुम्हें याद आ रहे हैं। वेल गाइस, कुछ नहीं हो सकता। बहुत सारे ऐसे लीडर्स वैसे हैं जो कि बहुत काम भी करते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब हम अपने यहाँ के पॉलिटिशियंस की इसलिए ज्यादा बात करते हैं क्योंकि हम लोगों को बड़ा दुख होता है क्योंकि काम नहीं उस तरीके से हो रहा। बट एनीवे गाइस, ये हमारी ओपिनियन थी जो हम लोग सोचते हैं इसके बारे में। आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा। और जाते जाते मैं फिर यहाँ पर क्लियर कर दूँ, शायद बहुत सारे लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है कि मैं चाइना को फेवर दे रही हूँ। मैं चाइना को फेवर बिल्कुल नहीं दे रही, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन ये कर रही थी कि अगर आप ये कह रहे हैं कि जी इन लोगों पर बैन लगा रहे हैं, तो इट मींस कि फिर चाइना ने सही किया क्या छुपाकर और इतनी पूरी दुनिया को नुकसान जो झेलना पड़ा। तो मेरा क्वेश्चन एक जो एक कंसर्न था वो ये। आई होप आप लोग इस चीज को अंडरस्टैंड कर गए होंगे और आपका क्या ओपिनियन है जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ हमें इजाजत, और हमारे वीडियो सब्सक्राइब शेयर।